हेलो एवरीवन, द फूड रेसिपी शो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लेके बिहार की बहुत ही फेमस सी समोसे की रेसिपी, जिसको वहाँ पे बेसिकली ना सिंघारे के नाम से जाना जाता है और नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे समोसे के नाम से भी जानते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ट्रस्ट करिए, अगर आपको मेरी तरफ बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और चटकदार समोसा खाना पसंद है ना, तो ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि बिहार में जो सिंघारा मिलता है ना वो बहुत ही ज़्यादा चटपटा होता है। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समोसे का मसाला प्रिपेयर करेंगे, तो चलिए बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, ये है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, फ्रेश मटर, और मटर बहुत ज़्यादा उड़ता है ना, इसलिए आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक दें और ढक के पकाएं। ऐड करेंगे उबले हुए 3 से 4 आलू, तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब डालेंगे 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, और ये है भुना हुआ जीरा पाउडर, स्वादानुसार नमक। फिर से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। डालेंगे यहाँ पे 7 से 8 काजू के टुकड़े, थोड़ा सा सींग या पीनट्स, और ये है कसूरी मेथी, और अब हम डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लेते हैं। तो ये देखिए, मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो हम मसाले को अब ठंडा होने के लिए रख देते हैं और डो रेडी कर लेते हैं। तो डो रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप मैदा, इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी कलौंजी, और 2 से 3 चम्मच ऑयल, और स्वादानुसार नमक। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आपको जो है वो सख्त आटा गूंथना है, तो ध्यान रखिए समोसे का आटा जो है वो गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा हार्ड रखना है आपको। तो ये देखिए, हमने आटा लगा लिया है। पहले हम इसे बेल लेंगे। हमें गोल बिल्कुल भी नहीं बेलना है, ये आप देख सकते हैं हल्का सा रेक्टेंगल शेप है ये। तो अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो
चलिए एक टुकड़ा मैंने ले लिया है उसमें से और इसके किनारे पे हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और इसे कॉर्न का शेप दे देंगे। तो अब हम इसमें स्टफिंग रख लेंगे। पानी लगा करके इसे सील कर लेंगे। तो बस हमारा समोसा रेडी हो चुका है और ऐसे ही हम बाकी के समोसे भी रेडी कर लेंगे। देखिए मैंने सारे समोसे बना लिए हैं। अब करेंगे हम इसे डीप फ्राई। तो ध्यान रखिए डीप फ्राई करने के लिए आपको ऑयल को बहुत ही अच्छे से गर्म करना है। देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक आपको समोसे को अच्छे से डीप फ्राई करना है। तो ये देखिए इसमें बहुत ही अच्छा सा सुनहरा कलर आ चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। लग रहे हैं ना मस्त समोसे। तो बस ऐसे ही हम बाकी के समोसे भी रेडी कर लेंगे। समोसे की रेसिपी ना ऐसी होने वाली है कि इसमें आपको किसी भी ग्रीन चटनी या रेड चटनी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को दीजिएगा बहुत सारा लाइक, कमेंट कर दीजिएगा एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ।